Hi guys, welcome to Pratham Test Prep. Pratham Test Prep ke channel pe aapka swagat hai. My name is Pratik Pradhan and I'm back with part 3 on short trick of finding a day on any given date. Theek hai? Previous 2 videos aapko dekhna bahut zaruri hai in case you haven't. Aapko upar link dikh raha hai part 1 video ka. Wahan pe jaake aap kya sikhoge? Us video pe jaiye, aapko pata chal jayega how important that is for you. Theek hai? आज के इस पार्ट में मैंने आपको एज प्रॉमिस जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सो दैट कि ये ट्रिक मेरा पक्का हो जाए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है राइट सो फटाफट चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ आवर टाइम हम जरा चलते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारे सामने है 26 जनवरी 1750 को व्हाट वाज द डे तो एक क्विक रिवीजन भी मैं आपको कराता जाऊंगा रिवीजन में आपको स्टेप्स भी बताता जाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले हम उठाते हैं 26 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर विल बी हाउ मच रिमाइंडर विल बी 5 ठीक है सेकंड स्टेप जनवरी है ध्यान रखिएगा अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 होगा अगर नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड 1 होगा और ये सिर्फ 2 मंथ्स में होता है जनवरी और फरवरी में बाकी सब के लिए सेम है नो मैटर लीप है या ऑर्डिनरी है ठीक है तो यहां कौन सा ईयर है 50 50 का लीप ईयर होता है नहीं होता है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है ठीक है सो 26th जनवरी का हमने पहले ये काम किया फिर जनवरी के लिए हमने देखा जनवरी के लिए बिकॉज़ इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर सो इट विल बी 1 And then comes 50. क्यों? क्योंकि 50th year चल रहा है. जो भी year चल रहा है, अगर 52nd चल रहा होता, तो by 52 हम लेके जाते. अगर 1768 है, तो 68 लेके आते. ठीक है? तो 50th year है, तो 50 divided by 7, what will be the remainder? Remainder will be 1. And then इसी 50 को फिर से एक बार 4 से divide करेंगे, and we'll find out the quotient. वहाँ पे remainder था, यहाँ पे quotient है. ध्यान रखिएगा, इसकी गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है सो क्वोशेंट से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 12 टाइम्स 48 ओके अच्छा तो अब फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इनको ऐड करना 5 plus 1 is 6 plus 1 7 plus 1 12 is 19 जितना 7 से ज्यादा बनता जाए हमेशा है मेक दिस अ हैबिट कि जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी हाउ मच रिमाइंडर विल बी 5 तो क्या 5 मेरा आंसर है नहीं फिर रिमेंबर पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि फिर आ जाओ फाइनली कौन सा सीरीज है 1700 का सीरीज है भाई 1600 के सीरीज में हम क्या करते हैं हमने देखा था लास्ट क्लास में -1 करते हैं उससे 1 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं हर 400 के मल्टीपल पे -1 होगा फिर +4 होगा फिर +2 होगा फिर 0 आ जाएगा फिर से -1 होगा +4 होगा +2 होगा 0 होगा तो बेंचमार्क बना लीजिए 1600 -1 2000 -1 1200 -1 बेंचमार्क बना लीजिए इससे आपका काम आसान हो जाएगा तो फाइनली मुझे क्या करना है मुझे +4 करना है अपने रिमाइंडर में तो इट विल बी 9 फिर से नंबर बड़ा हो गया 7 से तो फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 2 और 2 किसका होता है मंडे का होता है ठीक है सो 26 जनवरी 1750 वाज योर मंडे बिलीव मी अगर मैं एक्सप्लेन ना करूं तो इस क्वेश्चन को मैं 5 से 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूं और आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखना है लिखना चाहो लिख लो नहीं लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है 5 टू 10 सेकंड्स लगने चाहिए भाई जहां पे एग्जाम में कोई बंदा बेसिक मेथड से ही इज taking around 2 minutes, 3 minutes, वहाँ पे आप इसको 10 seconds में कर लेते हो, सोचो कितना difference है, so that is why it is very important guys, ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं, next step, next question पे, 31st March 1327, ओहो, क्या बात है, चलिए देखते हैं, 31st divided by 7, remainder क्या हो जाएगा, remainder हो जाएगा 3, March का code leap है, ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, March will always be 4, तो March का code हो गया 4, कौन सा ईयर चल रहा है 27 है तो 27 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर विल बी 6 एंड देन इसी 27 को डिवाइड करेंगे अब 4 से तो क्वोशेंट विल बी हाउ मच क्वोशेंट विल बी 6 4 6 टाइम्स 24 एंड देन फाइनली ऐड करते हैं भाई 3 plus 4 7 plus 6 13 plus 6 इज 19 आती मुझे याद आ गया प्रीवियस क्वेश्चन में भी 19 था तो आंसर मुझे मंडे पता चल गया है बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं देखते हैं क्यों क्यों मुझे ये पता चल गया 19 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज हाउ मच 5
बट क्योंकि ये 1300 का सीरीज है, 1300 की सीरीज में क्या करेंगे, तो यार बेंचमार्क बनाया था हमने, याद करो अगर 1200 हमारा बेंचमार्क था तो उसके लिए माइनस वन रखते थे, तो एक ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस वन के बाद आता है प्लस फोर, प्लस फोर के बाद आता है प्लस टू, प्लस टू के बाद आता है जीरो, इसको रट लीजिए, क्योंकि यार शॉर्ट ट्रिक है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग पे रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक मेथड में हम अपने हैंड्स पे और पेन कॉपी पे रिलाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में हम बहुत सारी चीज मेमोराइज करते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि आई हैव टू प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 7 विल गिव मी द रिमाइंडर 2, सो आंसर इज मंडे, राइट। सो इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि नंबर देखते हैं आप बता सकते हो अच्छा ये है ये आंसर, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं एग्जाम में अच्छा रहेगा, ये आप किसी को इंप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 21 अप्रैल 1526, कैन एनीवन टेल मी क्या है ये डेट, कब क्या हुआ था, इस डेट को 21 अप्रैल 1526 को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। अगर आपने जीके पढ़ा है, जीके की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इस दिन बैटल ऑफ लड़ा गया था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है, सॉरी बैटल ऑफ पानीपत, ओके। एंड ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये बाबर और लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत तीन हुए थे, पहला जो बैटल ऑफ पानीपत था दैट वाज 21 अप्रैल 1526। तो भाई किसी ने पूछ लिया एग्जाम में कि जीके में पूछ लिया लेट्स से कि भाई बताओ जरा 21 अप्रैल 1526 को जब पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था व्हाट वाज द डे, निकाल लेते हैं भाई क्या करना है, इसमें क्या करना भाई, 21 अप्रैल है, 21 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 0, अप्रैल है, अप्रैल का कोड चेंज नहीं हो सकता, अप्रैल का कोड जो है वो होगा हमेशा 0, ठीक है। अच्छा 26 चल रहा है, 26 को अगर मैं पहले 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी हाउ मच, रिमाइंडर विल बी 5, एंड अगर 26 को मैं फिर क्वोशेंट के लिए 4 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी द क्वोशेंट, 4 6 टाइम्स 24, 6 प्लस 5 इज 11, 11 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 5, एंड फाइनली जो रिमाइंडर है उसमें हम क्या करते हैं, 1500 का सीरीज है, 1500 का सीरीज है तो हम क्या करेंगे, बेंचमार्क लेते हैं, बेंचमार्क क्या है, 1200, 1200 के लिए हमें पता है कि हम माइनस वन करते हैं, तो 1300 के लिए प्लस 4, 1400 के लिए प्लस 2, सो 1500 के लिए 0, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 2 0, तो यहाँ पे क्या करना है 0, यानी कि 5 इज द रिमाइंडर, एंड 5 किसके लिए यूज होता है, थर्सडे को, तो मुझे पता चल गया कि सॉरी यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 7 4 विल बी द रिमाइंडर, My bad. Calculation गलती हो गई है. 11 divided by 7, 4 will be the remainder. ठीक है? So, कोई बात नहीं. 4 अगर remainder है, हड़बड़ी में होता है, इसको, इसका भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज हो गई है तो. So, 11 divided by 7, 4 is the remainder and 4 will be Wednesday. ठीक है? Clear है? क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 add करना है और 0 add करेंगे तो 4 ही रहेगा. Right? Any doubt? ओके चलिए कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री, कमेंट सेक्शन है आपके पास, यूटिलाइज करो यार उसको, आप आराम से कमेंट दीजिए उसके अंदर जो भी आप चाहते हो, बीट एनी टॉपिक बीट एनी क्वेश्चन, फील फ्री आप मुझसे पूछिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 1764, ये भी एक ऐसा डेट है जहां पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764 को, ठीक है। तो चलिए साथ ही साथ मैं आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, तो बात करते हैं 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन विच डे, नॉट डेट, विच डे, ठीक है। ऑफकोर्स जीके में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मान लीजिए कैलेंडर के अंदर ऐसा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 1, अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड आप देख सकते हो यहां पे 1 होगा, अक्टूबर का कोड इज 1, 64 क्योंकि 64 चल रहा है ना, तो 64 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर विल बी 1, कैसे 7 9 जा 63, एक्स्ट्रा एक बच गया, एंड देन यही 64 को हम 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन ढूंढेंगे तो दैट विल बी 16, 16 4 जा 64, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 19, 19 आया मेरे पास, 19 आते ही 1700 का सीरीज है, मेरे दिमाग में आंसर आ चुका है, देखिए प्रैक्टिस नहीं होगी मुझे पता मंडे आएगा, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार, 19, अब आप चाहो तो यहां पे ध्यान दीजिए, आप चाहो तो डिवाइड बाय 7 करके रिमाइंडर में प्लस माइनस कर लो या फिर डायरेक्टली यहीं पे कर लो यार, बात तो बराबर होनी है,
ठीक है, तो आप चाहते तो इसको 7 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 5, और 5 में फिर प्लस माइनस कर लेते, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहां पे 19 प्लस माइनस कर लेते, जो भी आता है। तो 1700 सीरीज के लिए क्या होगा, 1700 सीरीज के लिए होगा प्लस 4, 1600 इज माइनस 1, तो 1700 विल बी प्लस 4। तो 5 प्लस 4 क्या हो जाता है 9, 9 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर विल बी व्हाट 2, आंसर इज मंडे, या फिर डायरेक्टली 19 प्लस 4 क्या हो जाता है 23, एंड 23 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर विल बी 2, यहां से भी सेम आंसर आ रहा है, आंसर इज मंडे। सो इट्स नॉट कॉल, आप चाहे तो डिवाइड करके रिमाइंडर छोटे छोटे नंबर्स में कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली बड़े नंबर में यहां पे आप ऐड करके कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि ये सारा शॉर्ट ट्रिक जो है आपको क्लियर है। इफ यू वांट कि ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए मुझे वीडियो बनाने की अब जरूरत नहीं है, अब आपको ट्रिक पता है, आप एनी टाइम कोई भी डेट उठाइए उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आई एम 100% श्योर कि वो क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, गारंटी है इस चीज की, प्रोवाइडेड आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज इट फॉर कैलेंडर्स का सीरीज, जो शॉर्ट ट्रिक के वीडियो हमने स्टार्ट किए थे पार्ट 1 से, हमने पार्ट 3 तक बनाया था, ये उसका एंड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ऐसे और ट्रिक्स मैं बनाऊंगा, ऐसे और ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके लिए, आप प्रथम टेस्ट प्रेप के चैनल को देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।